गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल इन टूडेज क्लास। और आज की क्लास में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जैसे कि यूनिटरी गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। यहाँ से भी आपके सेमेस्टर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि इनके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पूछे जाते हैं, एडवांटेज या डिसएडवांटेज भी आप इन्हें कह सकते हो। सो आज की क्लास में हम लोग इनके सारे फीचर्स डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक्स अ लॉट। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम लोग डिटेल में समझते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट सेक्शंस को। तो पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो एक जनरल सा इंट्रोडक्शन है, आप इसको किसी भी टॉपिक पे इसको लिख सकते हैं। सो इंट्रोडक्शन में आप कर सकते हैं कि जैसे कि कंट्री को क्लासिफाई किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ फेडरल, यूनिटरी एंड कन्फेडरेशन। तो मान लीजिए अगर आपको कंपैरिजन करने को आ जाए, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक कंपैरिजन करने को भी आता है, तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन को ना टेबुलर फॉर्म में बनाया जाता है। अभी मैं बताती हूँ आपको आगे किसे कैसे किए जाते हैं। तो आप एक जनरल सा इंट्रोडक्शन दीजिए, पहले डिफाइन करिए कि क्या है दोनों चीज़। तो गवर्नमेंट को क्लासिफाई किया जा सकता है जनरली इन फेडरल, यूनिटरी एंड कॉन्फेडरेशन। और ये जो इनका क्लासिफिकेशन होता है, ये किस बेसिस पे होता है कि जो पावर रिलेशन है सेंटर और स्टेट के बीच में वो कैसा है, पावर रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में कैसा है, इस बेसिस पे हम जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उनको क्लासिफाई करते हैं। जैसे देखते हैं कि कुछ कंट्रीज़ जहाँ पर पावर सेंटर के पास होती है उसको कहते हैं यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जबकि कुछ कंट्रीज़ जहाँ पर पावर डिवाइडेड होती है सेंटर और पॉलिटिकल सब यूनिट, जैसे कि स्टेट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उसको कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट। और कुछ ऐसे कंट्रीज़ जहाँ पर पावर किसके पास होती है, स्टेट्स के पास, जो पॉलिटिकल सब यूनिट्स होती हैं जिन्हें फिर प्रोविंसेस कह सकते हैं, तो उसको कहते हैं कन्फेडरेशन। तो एक जनरल सा इंट्रोडक्शन हो गया, आपने दे दिया इसको। नेक्स्ट मूव करते हैं, यू पहला टाइप जो है आपका यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कि को पहले डिफाइन करेंगे। अगर मान लीजिए सिंपली आपका यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पूछ ले तो कैसे करेंगे, प्रोसीड करेंगे। सो यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट या यूनिटरी स्टेट क्या है, वो सवरेन स्टेट जो गवर्न करता है एज अ सिंगल एंटिटी। मतलब जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में देखा कि जो पावर है वो किसके पास रहेगी, सेंटर के पास रहेगी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही होता है आपका। तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स होते हैं तो वो एक्सरसाइज होते हैं ऑन दैट बेसिस जो सेंट्रल गवर्नमेंट डेलीगेट करती है। ऐसा नहीं कि कम्प्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट ही रूल कर रही है, पावर आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम होती है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर डेलीगेट करती है जो सब यूनिट्स होती हैं जैसे कि स्टेट या प्रोविंसेस, तो वो उस बेसिस पे ही केवल काम करते हैं। कुछ एग्जाम्पल हम ज़रूर मेंशन करेंगे, इस तरीके के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके वहाँ पर बिना एग्जाम्पल्स के काम नहीं चलेगा। तो आपको हर तरीके की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वह उनके एग्जाम्पल्स ज़रूर याद करके जाना है। तो जैसे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, श्रीलंका, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है। तो आप यहाँ पर देखा कि जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें जो ऑल द अथॉरिटी एंड पावर किसके पास है, एक सिंगल एंटिटी के पास में, और वो सिंगल एंटिटी कौन है, आपका सेंटर है, राइट। और यहीं पे हम कंपैरेटिव डिस्क्रिप्शन भी देंगे कि जैसे कि जबकि फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, जो गवर्नमेंट अथॉरिटी या पावर होती है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है बिटवीन सेंटर एंड कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स पे। तो कंपैरेटिव डिस्क्रिप्शन देने का फ़ायदा ये होता है कि एग्जामिनर को लगता है कि अच्छा, आपने सिर्फ यूनिटरी नहीं पढ़ा है, आपने इसके साथ में फेडरल भी पढ़ा है, तो आपने एक होलिस्टिक स्टडी करी है। तो ये फ़ायदा होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल सिर्फ आपका यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पूछा गया
किसके मेरिट्स और डीमेरिट्स बताओ। तो आप थोड़ा सा कंपैरिजन करते हुए इस आंसर को लिखो किसके साथ में, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, आपका आंसर अच्छा दिखता है, और एक कंपैरेटिव एनालिसिस, क्योंकि हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो आपका आंसर लिखने का जो अप्रोच होगा या पढ़ने का अप्रोच होगा वो भी कंपैरेटिव ही होगा। तो जब भी, अगर मान लीजिए फेडरल गवर्नमेंट पूछा जाता है, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स पूछे जाते हैं, तो भी आप जहाँ पर भी पॉसिबल हो उसको यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के साथ कंपेयर करते हुए आंसर लिखो कि फेडरल में ऐसा होता है लेकिन यूनिटरी में इसका जस्ट अपोजिट ऐसा होता है। इससे आपका आंसर बहुत अच्छा बनता है। तो जैसे कि इस पॉइंट में हमने कंपैरिजन कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, तो ये ऐसे पॉइंट वाइज भी आप लिखेंगे, आप 1 2 3 डाल सकते हैं या एरो बना के कर सकते हैं, आपकी मर्जी। तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो सकता है, जैसे कि हमने यहाँ ऊपर के पॉइंट में डिस्कस किया कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कुछ पावर डेलीगेट कर सकती है पॉलिटिकल सब यूनिट को, लेकिन वो डिसाइड कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर या अथॉरिटी होता है, लेकिन ये क्लेम नहीं कर सकते कम्प्लीटली कि फेडरल सिस्टम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा ज्यूरिडिक्शन नहीं है उनको, ये तो सिर्फ इन्होंने डेलीगेट किया है, उनका ज्यूरिडिक्शन नहीं है ये पॉलिटिकल सब यूनिट्स का। सब यूनिट से हमारा मतलब है जो स्टेट्स या प्रोविंसेस होते हैं। टू टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट हो गए, जैसे फर्स्ट हो गया आपका सेंट्रल, और जो पॉलिटिकल यूनिट्स एंड सब यूनिट्स हैं उन जिन्हें हम स्टेट्स या प्रोविंसेस कहते हैं। तो डोंट गेट कन्फ्यूज। सो अब आ जाते हैं मेरिट्स ऑफ द यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसे यहाँ पे हमने पॉइंट वाइज लिखा है, तो आप इसको भी ऐसे ही लिखेंगे। तो सुइटेबल है आपका स्मॉल कंट्रीज के लिए। यहाँ पे जब सिंगल सारी पावर आपके सेंटर के पास है, तो यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा। यहाँ पे जो डिसीजन, प्रॉम्प्ट डिसीजंस लिए जाएंगे, स्पीडी एक्शंस होगा, क्योंकि एक सिंगल अथॉरिटी है, तो कोई डिस्कशन तो करना नहीं है, तो कोई डिले ऐसा होने वाला नहीं है, तो यहाँ पर स्पीडी एक्शंस लिए जाते हैं। यूनिटरी गवर्नमेंट इज लेस एक्सपेंसिव। जो अमेंडमेंट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो भी बहुत इजीली हो जाते हैं, क्योंकि सारी पावर सेंटर के पास है और सेंटर अपने हिसाब से अमेंडमेंट कर सकती है। जबकि फेडरल में आप देखेंगे कि वहाँ पे थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि फेडरल यूनिट्स को भी इंक्लूड किया जाता है कुछ मैटर्स में। तो यहाँ पे यूनिटी, यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ, पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, देखने को मिलेगा आपका। नेक्स्ट देख लेते हैं डी मेरिट्स ऑफ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स। अभी तो ये एडवांटेज हो गए, मेरिट्स हो गए, अब नीचे डिसएडवांटेज या डी मेरिट्स क्या है वो देखते हैं। नॉट सुटेबल फॉर बिग कंट्रीज। तो बिग कंट्रीज के लिए क्या होता है कि जो ये स्कॉलर्स कहते हैं कि जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है सुटेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप डाइवर्सिटी को इंक्लूड नहीं कर पाएंगे, जो माइनॉरिटी सेक्शंस हैं उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाएगा, इसलिए बोला जाता है कि बिग कंट्रीज के लिए सुटेबल नहीं है। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव डिले होता है। क्योंकि जब एडमिनिस्ट्रेटिव डिले कैसे होते हैं, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अकेले टैकल कर रही है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को। फेडरल यूनिट्स में क्या होता है, जो प्रॉब्लम्स है वो डिवाइडेड हो जाती हैं एमंग द सेंटर एंड द पॉलिटिकल सब यूनिट्स, राइट। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होता है, जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं या लोकल इंटरेस्ट है उनको कई बार उन पर कॉन्सेंट्रेट नहीं किया जाता, उन पर फोकस नहीं किया जाता, ये डिसएडवांटेज है। क्योंकि इसीलिए बोला जाता है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होना चाहिए, जो लोकल यूनिट्स हैं उनको अपनी प्रॉब्लम बेहतर पता होती हैं और वो बेटर सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। तो इसलिए बोला जाता है कि हमेशा बॉटम टू टॉप अप्रोच रखना चाहिए। नेक्स्ट, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर जो है सेंटर के पास में वो डेस्पोटिज्म में कन्वर्ट हो सकता है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रूड हो सकती है, करप्ट हो सकती है, क्योंकि एक सिंगल सेंटर पे सारी पावर है, तो उसके वो क्या है, करप्ट हो सकती है, या ऑटो या यू कैन से दैट कि वो टोटालिटेरियन बन सकती है, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट बन सकती है। तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन पावर करप्शन को भी बढ़ावा दे सकती है, तो ये कुछ डीमेरिट्स हो गए। तो फॉर एग्जाम्पल आपका, जैसे कि मैंने बोला कि जब भी कंपैरिजन करने को है, फॉर एग्जाम्पल कि फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट के बीच में कंपैरिजन करिए,
तब आप कैसे करेंगे कि जैसे मान लीजिए आपका ये एक पेज है, तो इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। ऊपर सब एक सब हेडिंग डाल दीजिए कि जैसे सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज। मान लीजिए सिमिलरिटीज हम लिख रहे हैं, नीचे डिससिमिलरिटीज लिख रहे हैं। तो पॉइंट वन यहाँ पे डालिए यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पर डालिए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पॉइंट वन पॉइंट टू पॉइंट वन पॉइंट टू पॉइंट टू ऐसे करके टेबुलर फॉर्म में बनाओ। इसी तरीके से जब डिससिमिलरिटीज लिखो तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब इनकी डिससिमिलरिटीज भी लिख दो साथ में कंपैरिजन करते हुए। तो जब इस तरीके का आप इनोवेटिव आंसर्स लिखोगे अपने सेमेस्टर्स में, तो आपको ऑटोमेटिक बहुत मतलब अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो थोड़ा सा तरीका अलग करो, सिर्फ ऐसे जैसा आंसर्स लिखना अभी छोड़ो आप लोग, ऐसे पॉइंट वाइज लिखना सीखो। अभी हो गया हमारा डीमेरिट्स। ये यहाँ पर हमने, अब हम देख लेते हैं कि इंडिया, जो इंडिया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से यूनिटरी फीचर्स प्रेजेंट हैं। ये भी पूछा जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के यूनिटरी फीचर्स को एक्सप्लेन करिए आप, या फेडरल फीचर्स को एक्सप्लेन करिए। आप देखेंगे कि इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्ट्रॉन्ग सेंटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट्स कंट्रोल ओवर द स्टेट टेरिटरीज। स्टेट टेरिटरी मतलब कैसे, जो बाइफर्केशन ऑफ द स्टेट करना है या बाउंड्री ऑल्ट्रेशन करना है, ये सारा कौन करता है? आपका पार्लियामेंट के थ्रू होता है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया में, तो ये यूनिटरी फीचर है। अभी हम फेडरल फीचर्स भी देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, तो इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्वासी फेडरल बोलते हैं। मतलब यहाँ पर यूनिटरी फीचर्स भी प्रेजेंट है और आपके फेडरल फीचर्स भी प्रेजेंट हैं। अभी आगे चलकर वीडियो में हम देखेंगे कि इंडिया में इस तरीके का मिक्स्ड चीज़ या क्वासी फेडरल जैसी चीज़ क्यों अडॉप्ट की गई, वो भी हम अभी देखेंगे। यूनिटरी फीचर में नेक्स्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट, इमरजेंसी प्रोविजन्स है जहाँ पर स्टेट के सेंटर के पास बहुत सारी पावर आ जाती है, सिंगल सिटीजनशिप हो गया आपका, सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी है आपका। ये आपका यूनिटरी फीचर्स बताता है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का ये मतलब है टॉप पे सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद से हाई कोर्ट है, इसके बाद से आपके जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हो गए, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, तो ये हो गया इंटीग्रेटेड जुडिशरी। ऑल इंडिया सर्विसेज, ये यूनिटरी फीचर को रिप्रेजेंट करते हैं कि सेंटर रिक्रूट करता है, फिर सेंटर उनको डिफरेंट स्टेट में जाकर भेजता है डेपुटेशन में, या उनको वहाँ पर अथॉरिटी मिलती है। अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर जैसे, ये सेंट्रल करता है, जबकि काम किसके लिए कर रहा है गवर्नर? स्टेट के लिए काम कर रहा है, बट अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। तो ये भी यूनिटरी फीचर्स हैं। तो अगर आप ऐसे 10 पॉइंट्स लिख के वन बाई वन एक्सप्लेन करते हैं आप इनको, तो आपका आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा, पेजेस भी हो जाएंगे और हम सारे पॉइंट्स भी इंक्लूड कर लें। तो जब भी आप लिखो पॉइंट वन और स्ट्रॉन्ग सेंटर, उसको अंडरलाइन कर दो और एक्सप्लेन करने लग जाओ पॉइंट वाइज करते हुए, तो इससे आपका आंसर बहुत अच्छा दिखेगा। नेक्स्ट आते हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने डिस्कस कर लिया। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आप देखेंगे कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ फिर हम ये बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट्स है, उसको दोस में कर सकते हैं, जैसे यूनिटरी एंड फेडरल। और ये किस बेसिस पे करते हैं? नेचर ऑफ द रिलेशन बिटवीन द नेशनल एंड रीजनल गवर्नमेंट, उनके बीच में पावर रिलेशन क्या है, इसके बेसिस पे हम गवर्नमेंट के गवर्नमेंट को दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, पहला यूनिटरी एंड सेकेंड फेडरल। जो फेडरल गवर्नमेंट है, इसमें क्या होता है, जो पावर है वो डिवाइडेड होती है। किसके बीच में डिवाइडेड होती है? जो नेशनल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट है, और दूसरी जो रीजनल गवर्नमेंट है, या जिन्हें हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कर सकते हैं। अब ये जो दोनों गवर्नमेंट हैं, पावर डिवाइडेड है दोनों के बीच में। जैसे आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अगर हम एग्जांपल लेकर यहाँ समझें, तो आप देखेंगे कि जो हमारा 7th शेड्यूल है, जहाँ पर स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है एंड यूनियन लिस्ट है, तो पावर डिवाइडेड है कि स्टेट की पावर क्या है, सेंटर की पावर क्या है। तो अपने अपने जो इनकी लिस्ट है, अपनी अपनी जो पावर्स है, उन पे इनका इंडिपेंडेंट ज्यूरिडिक्शन होता है, वो एक दूसरे को उस पे इंटरफेयर नहीं करेंगे। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक यही होती है कि जो पावर डिवाइडेड है और अपने अपने ज्यूरिडिक्शन में वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं।
कुछ एग्जाम्पल्स हम देंगे जैसे कि यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रसिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ये हमारे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स के मॉडल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम कभी भी बिना एग्जाम्पल्स के नहीं लिखेंगे, इस बात को हमेशा याद रखना आप। इन फेडरल मॉडल आप देखेंगे जो नेशनल गवर्नमेंट है उसको फेडरल गवर्नमेंट भी कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट, कोई भी नाम आ जाए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जबकि जो रीजनल गवर्नमेंट है उनको स्टेट गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट कह सकते हैं। अब आप इसका बहुत अच्छा फ्लो चार्ट बना सकते हो अपने आंसर को और इफेक्टिव बनाने के लिए। कैसे बनाएंगे? ऊपर लिखेंगे आप गवर्नमेंट या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिख दीजिए, फिर इसको ऐसे सिंपल से एरो बनाइए और यहाँ पर लिख दीजिए आपका नेशनल गवर्नमेंट, यहाँ पर लिखिए आप रीजनल गवर्नमेंट, और इसको आप लिख सकते हैं ऑब्लिक करके यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको लिख सकते हैं आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पे इसको एरो करिए, ऑन द बेसिस ऑफ पावर रिलेशन। ऐसे फ्लो चार्ट आप छोटा सा बना दोगे आपका आंसर बहुत ही गुड लुकिंग हो जाएगा। जैसे आप अपने को गुड लुकिंग करने के लिए अच्छे कपड़े पहनते हो, मेकअप करते हो, हेयर स्टाइल करते हैं ना, सारी चीज़ों को ध्यान रखते हो, वॉचेस पहनते हो, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो फिर आप अपने आंसर को भी उसी तरीके से करो ना कि वो अच्छा दिखे, गुड लुकिंग दिखे। तो जैसे कि अंडरलाइन करना, पॉइंट वाइज लिखना, छोटे छोटे से फ्लो चार्ट बनाना, ये सारे आपके आंसर को बहुत गुड लुकिंग बनाते हैं। तो जब आप गुड लुकिंग होते हैं तो आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं ना, तो सेम यही होता है आपके आंसर में। अगर आपका आंसर का अपियरेंस अच्छा है, आपने सारी चीज़ें मेंशन की है, आप अलग से एग्जाम्पल कर दो यहाँ पर, तो एग्जाम्पल्स करके कर दिया हमने, तो इनको अच्छे से हाईलाइट कर दो, तो आपको क्या है, आपको अच्छे में आपका आंसर अच्छा दिखेगा, गुड लुकिंग होगा, तो आंसर को भी कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। वो कॉम्प्लीमेंट किस चीज़ से रिफ्लेक्ट होगा? आपके फाइनल जो मार्क्स बनेगा, परसेंटेज बनेगा। तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं मेरिट्स ऑफ द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पर क्या होता है, जो लोकल ऑटोनॉमी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है वहाँ पे लोकल ऑटोनॉमी को रिकॉन्सिलेशन किया जाता है नेशनल यूनिटी के साथ में। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, तो इससे क्या होगा, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी आएगी। यहाँ पर पावर डिवीजन है, दोनों के अपने अपने ज्यूरिडिक्शन है, सेंटर का अपना पावर ज्यूरिडिक्शन है, स्टेट के अपने फंक्शनल ज्यूरिडिक्शन है, तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी रहती है कि अब दोनों को पता है कि मुझे क्या क्या काम करना है, तो अपने अपने काम करते हैं, अपनी उनकी उसके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी होती है। जब डिवीजन ऑफ पावर या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है, चेक करता है डिस्पोटिज्म को, या ये सुइटेबल होता है आपके बिगर कंट्रीज के लिए। यहाँ पर ये गुड माना जाता है इकोनॉमिक एंड कल्चरल प्रोग्रेस के लिए, क्योंकि जो रीजनल यूनिट्स हैं उनके भी इंटरेस्ट को इसमें शामिल किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। डीमेरिट्स अब देख लेते हैं क्या है। सो फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है, वीकर होती है। वीकर इन द सेंस कैसे, एज कंपेयर टू, ऐसा नहीं कि हम आइसोलेशन में बोलेंगे, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज वीकर वेन कंपेयर टू यूनिटरी गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि आप इसमें देखोगे कि दो यूनिट्स हो गए ना गवर्नमेंट के, तो उनके बीच में जैसे है कि कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएगा, कई बार वो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो इस तरीके से ये वीक, एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी होंगे, तो वीकर बनाते हैं इसे। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज एक्सपेंसिव हो जाता है आपका। प्रोविंशियल टेंडेंसीज रहती हैं, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती हैं वो आपको किस चीज़ को ज़्यादा, कि आप हमारे रीजन को ज़्यादा प्रायोरिटी दें, आप हमारे रीजन को प्रायोरिटी दें, तो प्रोविंशियल टेंडेंसीज बनती है जो आपका फर्दर ग्रोथ करता है रीजनलिज्म को। इससे क्या होता है, नेशनल यूनिटी या इंटीग्रेशन हार्म होता है। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन, सो इसमें क्या है ना, जो दो अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट्स काम कर रही हैं, तो इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं आती है। जो सब यूनिट्स हैं, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है, आप इंडिया का एग्जाम्पल देख लीजिए, तो हर जो जो स्टेट लिस्ट है उसमें जो स्टेट्स हैं उनको ऑटोनॉमी है कि वो अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन या लॉज बनाएं। तो आप देखेंगे कि हर स्टेट में ज़रूरी नहीं है कि जो हेल्थ रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं, एग्रीकल्चर रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं, एजुकेशन रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं, वो सेम हो।
अलग अलग होती हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि जो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, इम्पॉर्टेंट मैटर्स हैं, उनको कंकरेंट लिस्ट में डाला गया है, ताकि उसमें स्टेट भी लॉज बना सकते हैं, सेंटर भी बना सकते हैं। बट इंडिया में क्या है, जो सेंट्रल लॉ बनाएगा वो प्रिवेल करेगा ओवर द स्टेट रूल्स। तो इससे क्या, ये इसलिए चीज़ मेंशन की गई है जिससे कि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। फॉर एग्जाम्पल, एजुकेशन को स्टेट लिस्ट से हटाकर कंकरेंट लिस्ट में किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट? क्या रीज़न? अब जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई, तो हमें यूनिफॉर्मिटी लानी है ना इस चीज़ में। अगर स्टेट के पास ही एजुकेशन होता, तो मान लीजिए उत्तर प्रदेश कह रहा है कि हम बनाएंगे, एमपी कह रहे हैं हम नहीं बनाएंगे, हम अडॉप्ट नहीं करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो अक्रॉस द इंडिया यूनिफॉर्मिटी नहीं आती एजुकेशन सिस्टम में। जो जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स होती हैं, उसका एक इम्पॉर्टेंट डीमेरिट्स यही हो जाता है कि यहाँ पर लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी होती है इन एडमिनिस्ट्रेशन, थ्रेट टू नेशनल यूनिटी। जब रीजनलिज्म ग्रो करता है, सन ऑफ सॉयल थ्योरी अगर आपने कभी पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि उसमें रीजनलिज्म ग्रो करता है। जब रीजनल इंटरेस्ट ग्रो करते हैं, तो वो नेशनल यूनिटी के लिए थ्रेट बन जाता है। तो ये कुछ डीमेरिट्स थे। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें 5 डीमेरिट्स ही हैं, आप और फर्दर इंक्लूड कर सकते हो इसको, 7 कर सकते हो, 8 कर सकते हो, और जितना आपको डिपेंड, आप जितना आप पढ़ाई करेंगे, जितना पॉइंट्स आप फाइंड आउट कर पाएंगे, आप उतने इंक्लूड्स कर सकते हैं। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट लेड टू कॉन्फ्लिक्ट। कई बार होता है कि जो आपका ये कॉन्फ्लिक्ट है, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इजिली चेंज नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू द नीड्स। प्लेसेस, जो कई बार जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती है वो हिंड्रेंसेस बनती हैं, रुकावट बनती हैं फॉरेन पॉलिसी में भी। तो इस ये हो गए आपके डीमेरिट्स। तो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स देख लिया हमने। और फिर मैं यहाँ पर आपको वही चीज़ बताऊंगी फिर से कि अगर फॉर एग्जांपल आपका कंपैरेटिव एनालिसिस पूछता है यूनियन गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के बीच में, तो आप हमेशा उसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। इससे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। जस्ट ट्राई टू लर्न दीज इनोवेटिव थिंग्स कि हम अपने आंसर को कैसे इनोवेटिव तरीके से रिप्रेजेंट करें, कैसे इनोवेटिव तरीके से लिखें। छोटे छोटे से फ्लो चार्ट बनाना सीखो, एग्जाम्पल मेंशन करना सीखो, करेंट करेंट से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देना सीखो। ये छोटी छोटी सी इम्प्रूवमेंट्स अगर आप अपने सेमेस्टर एग्जाम्स में कर लेते हो ना, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे गाइस। तो नेक्स्ट आते हैं आपके फेडरल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखते हैं कि फेडरल फीचर्स क्या हैं। सो इंडिया में क्या है, ड्यूअल गवर्नमेंट है आपका, नेशनल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट, इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट। सी, ड्यूअल गवर्नमेंट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द फेडरल टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट या फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसके बाद 3 टीयर भी हो सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को 3rd टीयर बोला जाता है, राइट? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया, वो 3rd टीयर हो गया। तो ये और अच्छी चीज़ है क्योंकि ये फेडरल फीचर्स को और स्ट्रेंथन करती है। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी है ड्यूअल गवर्नमेंट की, जो नेशनल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हो गए आपके। फिर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये फेडरल फीचर्स है। डिवीजन ऑफ पावर्स है इंडिया में, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ऐसा नहीं कि नेशनल गवर्नमेंट सुप्रीम है, जब भी फेडरल गवर्नमेंट होगी आप देखेंगे वहाँ सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम लॉ, राइट? इसके बाद से आप देखेंगे कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है, बाई कैमरेलिज्म है। बाई कैमरेलिज्म जैसे कि पार्लियामेंट्री में 2 हाउसेज होना, लोकसभा एंड राज्यसभा। और आप देखेंगे कि ये हो गए फेडरल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी पूछ कई बार आता है कि अब जैसे हमने यूनिटरी फीचर्स लिखा था, तो अगर ये आ जाए आपका कि फेडरल फीचर्स एंड यूनिटरी फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखें, अभी लास्ट में हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस तरीके का, तो इसमें भी आप टेबुलर फॉर्म बना देते हो, ऊपर लिख दीजिए कि यूनिटरी एंड फेडरल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इधर लिख दीजिए आप वो यूनिटरी फीचर्स, इधर लिख दीजिए आप फेडरल फीचर्स, दोनों को पॉइंट वाइज मेंशन कर दीजिए आप, 1 1 2 2। इस तरीके से क्या होगा, आपका आंसर गुड लुकिंग हो जाएगा। और बट ऑब्वियसली गुड लुकिंग होगा तो आपको क्या मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे। गुड, आप बहुत समझदार हैं, समझ गए हैं सारी चीज़ों को।
सो मूव करते हैं आगे, और मुझे कमेंट करके बताना अगर आपको इन लेक्चर से या इन जो यो ये जो मैं इनोवेटिव वे बता रही हूँ, तरीका बता रही हूँ आंसर लिखने का, अगर आपने इसको इम्प्लीमेंट किया है, प्रैक्टिस किया है अपने आंसर्स में, और अगर आपके मार्क्स में इम्प्रूव हुआ है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स। कॉमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि हाँ मैंने ये प्रैक्टिस करा था मैम और इस बार मेरे मार्क्स जो मार्क्स हैं उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, राइट मुझे बताना ज़रूर। तो हो सकेगा तो हम इन इनोवेटिव मेथड्स जो हैं आंसर के, वो हम एक अलग से वीडियो बना के हम एक जगह दे देंगे आपको, जिससे कि आपको और बेहतर बेनिफिट मिले इन सब मेथड्स का। सो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अभी हमने यूनिटरी एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कर ली, इंडिया के फीचर्स भी देख लिए, नेक्स्ट करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आप यहाँ पर हम दो तरीके के गवर्नमेंट पढ़ेंगे, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, आपको कंपैरेटिव एनालिसिस करते हुए भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फीचर्स क्या होते हैं, दोनों को बताइए। फिर इसके बाद अलग अलग भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पूछ सकता है, तो ये सारा डिस्कस करते हैं। सो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जब जो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन क्या रहेगा आपका, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं हम पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म में, और यहाँ पे बेसिस क्या रहेगा, रिलेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। यूनिटरी और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम किस बेसिस पे डिवाइड कर रहे थे, कि जो पावर रिलेशन है नेशनल गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल सब यूनिट्स जो रीजनल गवर्नमेंट्स हैं उनके बीच में पावर रिलेशन क्या है, उसके बेसिस पे हम फेडरल या यूनिटरी डिवाइड कर रहे थे, राइट। लेकिन जब पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्लासिफाई करते हैं, तो हम किस बेसिस पे कर रहे हैं कि ये आपका जो एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेटिव है इनके बीच में क्या रिलेशन है, ये सेपरेशन ऑफ पावर के बेसिस पे काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो इन जो ये टर्म्स हैं इनको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज वो होती है जहां पर एग्जीक्यूटिव आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है लेजिस्लेचर के प्रति। एग्जीक्यूटिव जो भी पॉलिसीज बनाएगी, जो भी एक्शन लेगी, जो भी डिसीजन लेगी, उसके लिए कहाँ रिस्पॉन्सिबल है आपके लेजिस्लेचर के लिए। आप देखते हो, आप एग्जाम्पल लेते हैं, इंडियन पार्लियामेंट, अगर आपने कभी पार्लियामेंट्री डिबेट देखी है, जब हाउसेस चल रहे होते हैं, अंदर पार्लियामेंट डिबेट चल रही होती है, तो आप देखोगे ना कि जो जो लेजिस्लेचर, जो हमारे एमपीज होते हैं, चाहे अपोजिशंस के हों या कोई भी इंडिपेंडेंट एमपीज हों, तो वो क्या है, वो क्वेश्चन पूछते हैं किससे, जो गवर्नमेंट में बैठे होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव में के पार्ट होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, उनसे उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, या ये इंपॉर्टेंट मुद्दा चल रहा है, आपने इस पे कोई लॉ क्यों नहीं बनाया। फॉर एग्जाम्पल अभी लेते हैं क्रिप्टो करेंसी का। सो क्रिप्टो करेंसी में गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव ने लॉ बना बिल लाए ये हाउस में कि हमें इसमें 30% टैक्स लगाने हैं, राइट। लेकिन लेजिस जो अब एग्जीक्यूटिव इस एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर को, उसको जवाबदेही देनी पड़ेगी, अकाउंटेबल अपना जवाब देना पड़ेगा कि उसने 30% टैक्स क्यों लगाया, इसके प्रति क्वेश्चन भी पूछेंगे। तो जो आपके कुछ एमपीज थे, चाहे अपोजिशन के या इंडिपेंडेंट, वो कहेंगे ना कि उन्होंने क्रिटिसाइज किया एग्जीक्यूटिव के इस एक्शन को कि आपका ये गलत है, ये स्टेप, ये जो डिसीजन लिया है, 30% आप टैक्स लगाओगे तो ये गलत है, क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजी है, आप इसको ऐसे ऐसे नहीं कर सकते, इस पर इतना टैक्स लगाएंगे, ये डिस्करेज करेगा लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, राइट। तो इस तरीके की बहस अभी रिसेंट में चली है। अब ऐसे एग्जाम्पल्स आप इंक्लूड करते हो अपने आंसर में, तो आप देखो कैसे नहीं मार्क्स मिलते हैं आपको अच्छे। तो इस एग्जाम्पल से हम बस ये समझना चाह रहे हैं कि कैसे एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होती है लेजिस्लेचर के। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं हम, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि जो कैबिनेट, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसको कुछ और नाम से भी जाना जाता है। ये इंट्रोडक्शन में हम ये सारी चीज़ें मेंशन करेंगे, जैसे कैबिनेट गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट या वेस्ट मिनिस्टर मॉडल। तो कई बार पूछा जाता है कि वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, तो ये आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। फिर कुछ एग्जाम्पल्स भी देंगे, जैसे मैंने बोला कि इस तरीके के क्वेश्चंस को कभी भी बिना एग्जाम्पल्स और बिना करंट, जो भी करंट एग्जाम्पल्स हैं उनको दिए हम नहीं करेंगे,
हमें ये देना ही देना है। आपको पहले से माइंडली प्रिपेयर रहना है कि हमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आएगा तो हमें कौन कौन से एग्जाम्पल डालने हैं, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पूछेगा तो हमें क्या क्या एग्जाम्पल्स डालें, ये आपके लिस्ट पहले ही बनी होनी चाहिए जब आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अपने सेमेस्टर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। ये अक्सर मैं ऐसा करती थी, जब मेरे एग्ज़ाम्स होते थे तो मैं ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स पहले से बना के रखती थी कि हाँ, अगर मान लीजिए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पूछा जाएगा तो मुझे ये एग्जाम्पल्स डालने हैं, पर इंडिया में पूछा जाएगा यूनिटरी और फेडरल फीचर्स तो मुझे करंट में कौन से मुद्दे चल रहे हैं मैं उसको लेकर एग्जाम्पल्स डालूंगी। तो इससे क्या होते थे, मार्क्स बहुत अच्छे आते थे। तो इसीलिए मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको शेयर कर रही हूँ ये चीज़ कि आप भी इस चीज़ को अप्लाई करके देखो। बहुत सारे अब ये सब चीज़ें हमें अपने कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में नहीं सिखाए जाते ना, हमारे प्रोफेसर्स भी नहीं बताते हमें कि आप आंसर कैसे लिखें। तो ये सारी चीज़ें आप मेरे वीडियो से सीख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ, और हाँ, मुझे थैंक्स बोलना मत भूलना कमेंट बॉक्स में, अगर आपको इन जो टेक्निक्स जो मैं बता रही हूँ इनको प्रैक्टिस करके इम्प्लीमेंट करके आपके मार्क्स पे इम्प्रूव होना है तो मुझे बताना ज़रूर कि हाँ हुआ है आपको। तो इससे क्या होगा, दूसरे स्टूडेंट्स को भी मोटिवेशन मिलेगा। ओके, फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कुछ एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन देख लिया, समझ लिया कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, हमने एग्जाम्पल्स देख लिए, इसको किस और नाम से जाना जाता है वो भी हमने देख लिया। फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो यहाँ पर डुअल एग्जीक्यूटिव होती है, इसको बोलते हैं डुअल एग्जीक्यूटिव। सो डुअल एग्जीक्यूटिव मतलब एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होती है, एक रियल एग्जीक्यूटिव होती है। आपका अभी इंडिया में कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि इसके एग्जांपल्स क्या है, मैं यहाँ पे अभी नहीं बताऊंगी कि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव किसे कहते हैं, रियल एग्जीक्यूटिव किसे कहते हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव में। ये मुझे आप कमेंट में बताना कि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव का इंडिया में क्या एग्जाम्पल है और रियल एग्जीक्यूटिव का इंडिया में क्या एग्जाम्पल है। नेक्स्ट फीचर है मेजोरिटी पार्टी रूल, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एग्जीक्यूटिव की टूवर्ड्स लेजिस्लेचर। डुअल मेंबरशिप, डुअल मेंबरशिप को एक्सप्लेन करना है। अब ये सारे टर्म्स को एक्सप्लेन करना है आपको। मैं यहाँ पे बस आपको कीवर्ड्स और शॉर्ट पे इसलिए बता रही हूँ कि आपको आंसर भी ऐसे ही लिखने हैं। सो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को जैसे फर्दर एक्सप्लेन करेंगे, आपकी यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव जो भी एक्शन लेगी, पॉलिसीज बनाएगी या डिसीजन लेगी, वो रिस्पॉन्सिबल रहेगी किसके प्रति, लेजिस्लेटिव के प्रति। कुछ एग्जाम्पल आप दे सकते हैं यहाँ पर। डुअल मेंबरशिप, डुअल मेंबरशिप क्या है कि जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर होते हैं वो लेजिस्लेचर से ही आते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जब प्रेसिडेंशियल सिस्टम हम देखेंगे कि वहाँ पर सेपरेशन ऑफ द पावर है, मतलब एग्जीक्यूटिव के मेंबर अलग हैं, लेजिस्लेचर के मेंबर अलग हैं, जबकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डुअल मेंबरशिप होती है। जो MPs और MLEs होते हैं यही जाकर एग्जीक्यूटिव के पार्ट बनते हैं, यही गवर्नमेंट बनाते हैं और ये एग्जीक्यूटिव बनते हैं। नेक्स्ट, लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, हारमनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ये मेरिट्स है। हारमनी इसलिए रहती है क्योंकि डुअल मेंबरशिप है, जो लेजिस्लेचर के मेंबर हैं उन्हीं में से चुनकर एक गवर्नमेंट बनाते हैं, मेजोरिटी जिसका होता है और वही एग्जीक्यूटिव के मेंबर बन गए। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ये मेरिट्स हैं इसकी। प्रिवेंट्स डिक्टेटरशिप, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, अपना जवाबदेही होती है जो हमारी लेजिस्लेचर है उसके लिए, तो ये डिक्टेटरशिप बनने से रोकता है। वाइड रिप्रेजेंटेशन, डीमेरिट्स, तो ये हो गए आपके मेरिट्स। नेक्स्ट देखते हैं डीमेरिट्स ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अनस्टेबल गवर्नमेंट। क्या होता है कि जब क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कई बार ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन नहीं कर पाते, अपनी मेजोरिटी मेंटेन नहीं कर पाते लेजिस्लेचर में, तो ये क्या होगा, गवर्नमेंट को वहाँ से हटाया भी जा सकता है, डिसॉल्व भी किया जा सकता है। तो अनस्टेबल गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है कि बस एक बार एग्जीक्यूटिव बन गए तो बस वो बने रह जाएंगे। नो कंटिन्यूटी ऑफ दी पॉलिसीज, क्योंकि जब अनस्टेबल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट चेंजेस चेंज हो सकते हैं, तो क्या है, कंटिन्यूटी नहीं आती पॉलिसीज में, तो ये डीमेरिट्स हो गया। डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट, कई बार अगर लेजिस्लेचर वीक है तो आप देखेंगे, या मेजोरिटी में उसी के मेंबर्स हैं तो आप देखेंगे कि कैबिनेट की जो आपकी एग्जीक्यूटिव होती है उसकी डिक्टेटरशिप चलेगी। अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर, जो सेपरेशन ऑफ पावर है मॉन्टेस्क्यू का, जहाँ पर जो तीन ऑर्गन होते हैं गवर्नमेंट के,
आपके लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इनके बीच में सेपरेशन ऑफ पावर होता है। तो जो आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसका वन ऑफ द डीमेरिट ये है कि जो सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल है उसके अगेंस्ट में जाता है, क्योंकि यहाँ पर डुअल मेंबरशिप है। जो लेजिस्लेचर के मेंबर हैं वही एग्जीक्यूटिव के मेंबर होते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आप देखेंगे कि इसका बेसिक सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। अब पहले ही हम देख चुके हैं कि पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को किस बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। नेचर ऑफ द रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। तो गवर्नमेंट जो इसको जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये नॉन पार्लियामेंट्री है या फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव सिस्टम भी कहेंगे इसको। तो ये बेसिकली किस पे बेस्ड है? आपका प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यूएसए, ब्राज़ील, रसिया, श्रीलंका, यहाँ पर क्या है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो बिना एग्जाम्पल्स के तो आपको आंसर लिखना ही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं फीचर्स। फीचर्स क्या है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के? सो द प्रेसिडेंट, यहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा? आपका प्रेसिडेंट होगा। ही ऑक्यूपाइज अ सेरेमोनियल पोजिशन। फिर प्रेसिडेंट क्या है? इलेक्ट किया जाता है इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू फिक्स टेन्योर के लिए। प्रेसिडेंट गवर्न करता है विद द हेल्प ऑफ कैबिनेट। फिर आप यहाँ पर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जो जुडिशियल जुडिशरी है वो पावर ऑफ द गवर्नमेंट जो सेपरेटेड है। तो पहले भी हमने देखा कि प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन कहाँ पर लागू होता है? आपका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो तीन ऑर्गन होते हैं गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तो इन तीनों के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर होता है। हर किसी के अपने फंक्शंस स्पेसिफिक हैं, अपनी ज्यूरिडिक्शंस हैं, और एक दूसरे के जो स्फेयर है उस ज्यूरिडिक्शन में ये इंटरफेयर नहीं करते हैं। मेरिट्स देखते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। तो सिंगल एग्जीक्यूटिव, इफेक्टिव कंट्रोल बाय द प्रेसिडेंट, फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, क्योंकि सिंगल एग्जीक्यूटिव है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है किसी के प्रति, तो यहाँ पर इफिशेंसी होती है, प्रॉम्प्ट डिसीजंस लिए जा सकते हैं, राइट? ये सारी चीज़ें होंगे। डीमेरिट्स ऑफ द प्रेसिडेंशियल, डीमेरिट्स क्या हैं? तो यहाँ पर आप देखोगे कि या डिक्टेटरशिप हो सकती है, क्योंकि सिंगल एग्जीक्यूटिव है, सारी पावर्स उसके पास हैं और वो जवाबदेह भी नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है लेजिस्लेटिव के प्रति। तो ये डिक्टेटरशिप पे कन्वर्ट होने के चांसेस या पॉसिबिलिटीज ज़्यादा रहती हैं। तो स्ट्रेन रिलेशनशिप होता है बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के बीच में, हमेशा झगड़े चलते रहते हैं। कुछ जैसे अभी हमने पार्लियामेंट्री में देखा कि हार्मनी होती है। हार्मनी क्यों होती है वहाँ पर? क्योंकि मेंबर सेम होते हैं, डुअल मेंबरशिप होती है। जबकि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर में क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर है। मेंबरशिप इनकी ओवरलैप नहीं करती है, इनके फंक्शंस ओवरलैप नहीं करते। तो कई बार क्या होते हैं इनके बीच में स्ट्रेन रिलेशनशिप, क्योंकि बिल तो आप पार्लिया जो लॉ फॉर्मुलेट कौन करेगा? पार्लियामेंट ही करेगी या लेजिस्लेचर ही करेगी। सो लैक ऑफ हार्मनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ये सबसे बड़ा डीमेरिट होता है। तो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पर हमने इनके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स देखे। मैं फिर से आपको रिमाइंड करा दूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन अगर कभी कंपैरेटिव एनालिसिस करके पूछे कि प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डिस्क्राइब करें, फॉर एग्जाम्पल, तो आप इनके मेरिट्स एंड डी मेरिट्स को टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। पहले मेरिट्स को टेबुलर फॉर्म में लिख दो, एक तरफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ, एक तरफ प्रेसिडेंशियल मेरिट्स। इसके बाद दूसरा बनाएंगे डी मेरिट्स, उसको भी टेबुलर फॉर्म में लिख दो। तो इस तरीके से ही आप अपने आंसर को प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट आते हैं अब इंडिया के बारे में। तो इंडिया का देख लेते हैं कि इंडिया में क्या सीन है। हालांकि हमने ऊपर जब हमने यूनिटरी एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कर रहे थे, तो हमने ये देखा था कि इंडिया में कौन से फेडरल फीचर्स हैं और इंडिया में कौन से यूनिटरी फीचर्स हैं, ये हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी। तो ऊपर मैंने एक डिटेल लिस्ट दी है, आप वहाँ से जाके इस चीज़ को कम्प्लीट कर लेना। यहाँ पे हम एक बेसिक सा क्वेश्चन को टैकल करने की कोशिश करते हैं।
कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन नेचर बट यूनिटरी इन सोल। ये एक की स्टेटमेंट दिया जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे हम पहले कि यूनिटरी सिस्टम क्या है, फेडरल सिस्टम क्या है, फिर इंडिया में क्या सिनेरियो है। तो यूनिटरी सिस्टम क्या है, वो गवर्नमेंट जहाँ पर सारी पावर कौन होल्ड करता है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। जबकि फेडरल सिस्टम क्या है, जहाँ पर पावर डिवाइड होती है बिटवीन द नेशनल एंड लोकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। बेसिक हमने डिफाइन कर दिया कि दोनों है क्या चीज़। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि जो फेडरलिज्म है वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का। डेमोक्रेटिक इन नेचर एंड सुइटेबल फॉर वास्ट कंट्रीज, मतलब बिग कंट्रीज लाइक इंडिया। तो हम इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो इंडिया में हम देखेंगे कि जब फिर हम बताएंगे कि इंडिया में जबकि फेडरेशन वर्ड का कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरेशन वर्ड को में फेडरेशन वर्ड कहीं पे भी मेंशन नहीं है। क्या मेंशन है हमारे इंडिया के आर्टिकल 1 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, यूनियन ऑफ स्टेट्स। जबकि हम कहते हैं कि इंडिया क्या है, एक फेडरल कंट्री है। इंडिया में क्या है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है क्योंकि ड्यूअल पॉलिटी है, ड्यूअल गवर्नमेंट है। बट हमारे जो आर्टिकल 1 है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसने फेडरल वर्ड ना यूज करके क्या यूज किया है, यूनियन ऑफ स्टेट। तो हमारा ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया जहाँ पर हमने यूनिटरी सिस्टम क्या है, फेडरल सिस्टम क्या है और इंडिया का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ है, ये चीज़ हमने एक्सप्लेन कर दी। तो ये हमारा एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन बन गया। नेक्स्ट चलते हैं कि इसको ऐसा क्यों कहते हैं कि फेडरल इन नेचर है और यूनिटरी इन सोल है। तो हम डिफाइन करेंगे कि फेडरल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और यूनिटरी या नॉन फेडरल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ऊपर मैंने डिटेल लिस्ट दी हुई है, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बस मेंशन किए हैं कि आपको आंसर कैसे लिखना है। तो हम ऐसे ही आंसर को लिखेंगे गाइस। जब भी क्वेश्चन आप अपने सेमेस्टर में, आपको ऐसे आंसर लिखने हैं। मैं बार बार इस चीज़ पे फोकस इसलिए कर रही हूँ कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस टेक्निक को नहीं जानते और वो अभी भी ऐसे के तरीके से आंसर लिख रहे हैं। बहुत सारी कॉपीज मैंने खुद चेक की है ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स की, जहाँ पर मैंने ऐसा देखा है। सो डिवीजन ऑफ पावर्स, तो फेडरल फीचर्स हम मेंशन करेंगे कि डिवीजन ऑफ पावर्स, तो मतलब यहाँ पे पावर डिवाइडेड होती है नेशनल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। तो इंडिया में भी है, इंडिया में कैसे है, 7th शेड्यूल है जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसने 3 लिस्ट बनाई हुई है जहाँ पर पावर डिवाइडेड है। तो इंडिया के फेडरल फीचर्स की बात कर रहे हैं, तो डिवीजन ऑफ पावर, जब भी डिवीजन ऑफ पावर करेंगे तो हम 7th शेड्यूल को जरूर मेंशन करेंगे। इंडिया में क्या है, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी सुपरमेसी है, ये एक फेडरल फीचर बनाता है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है इंडिया में, जो सुप्रीम कोर्ट है हमारी वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस है इंडिया में, तो ये एक फेडरल फीचर बनाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। दूसरा बाइकैमरल लेजिस्लेशन है, जो इंडियन पार्लियामेंट है आपकी, उसके 2 हाउसेज हैं लोकसभा एंड राज्यसभा, तो ये एक फीचर है जो इंडिया में प्रेजेंट है और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल बनाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि यूनिटरी फीचर्स या नॉन फेडरल फीचर्स कौन से हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। पहला तो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, आप देखोगे कि ना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है इंडिया में। जैसे कि अमेरिका एक फेडरल कंट्री है, तो वहाँ पर आप देखोगे कि स्टेट का अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट में अपनी अलग सिटीजनशिप है, तो ये सारे फीचर्स वहाँ पे फेडरल हैं। तो उसी के हिसाब से जो हम कंपैरिजन करते हैं, तो इंडिया में देखते हैं कि सिंगल सिटीजनशिप है, जब सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है एंड सिंगल सिटीजनशिप है, तो ये क्या बनाते हैं इंडिया को, यूनिटरी इन नेचर बनाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि सेंट्रल कंट्रोल्स है स्टेट के ऊपर। अब ये कंट्रोल कैसे रहते हैं कि जो स्टेट है कुछ रिस्पेक्ट में लॉज नहीं बनाते हैं, जैसे कि उन उन सारे मैटर्स पे जिसमें सेंट्रल ने ऑलरेडी लॉ बना दिया है, तो ये स्टेट का कंट्रोल हो जाता है ओवर द स्टेट। राज्यसभा जो हमारा है वो डज नॉट रिप्रेजेंट द स्टेट इक्वालिटी। आप देखेंगे कि हर एक स्टेट की इक्वल मेंबरशिप नहीं है। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की 31 सीट्स हैं, आप महाराष्ट्र की अलग हैं, हर एक स्टेट की अपने अलग अलग नंबर है, वो वहाँ की पॉपुलेशन के बेसिस पे है। जबकि आप अमेरिका के फेडरल स्टेट में आप देखेंगे फेडरलिज्म में कि वहाँ पर हर एक राज्य को इक्वल सीट्स मिली हुई हैं। आप कमेंट में मुझे बताना कि अमेरिका के स्टेट को कितनी कितनी सीट्स डिवाइडेड हैं, हर एक स्टेट को इक्वल सीट्स डिवाइडेड हैं और वो नंबर क्या है।
तो राज्यसभा हमारे इंडिया में राज्यसभा है वो डज नॉट रिप्रेजेंट द स्टेट इक्वालिटी। हर एक स्टेट को इक्वल सीट्स नहीं अलॉट की गई हैं। तो ये यूनिटरी फीचर्स बनाता है या नॉन फेडरल फीचर हो गया। जब भी हम नॉन फेडरल इंडिया के पॉइंट्स बताते हैं तो हम हमेशा यूएस से कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि जो यूएस मॉडल है उसको आइडियल फेडरल मॉडल कंसीडर किया जाता है। एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट डिपेंडेंस ऑन द सेंटर, तो आप देखेंगे कि जैसे बाउंड्री ऑफ द स्टेट उनका चेंज करना है, नाम चेंज करना है, ऑल्ट्रेशन करना है स्टेट। जैसे कि मान लीजिए अभी हाल ही में जो J&K है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक J&K यूनियन टेरिटरी और एक लद्दाख यूनियन टेरिटरी। इसके पहले आप देखेंगे कि तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से बाहर करके एक नया स्टेट बनाया गया था। तो ये सारे काम, जबकि स्टेट की बाउंड्री चेंज हो रही है, स्टेट का ऑल्ट्रेशन हो रहा है, लेकिन ये काम कौन कर रहा है? आपका सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है पार्लियामेंट के थ्रू। तो एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट डिपेंड्स ऑन द सेंटर, राइट? जबकि ऐसा अमेरिकन सिस्टम में, फेडरल सिस्टम में नहीं होता है। तो ये जो सिस्टम है ये बनाता है आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को नॉन फेडरल फीचर। सिंगल सिटीजनशिप मैंने एक्सप्लेन ही कर दिया आपको। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, आपको टर्म में कंफ्यूज नहीं होना है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी और इंटीग्रेटेड जुडिशरी दोनों अलग है। इस चीज़ पे हमेशा फोकस करना, गलत मत लिखना। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब होता है एक यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम। यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम, पहले सबसे हाईएस्ट कोर्ट क्या हो गई? सुप्रीम कोर्ट। फिर आपके हाई कोर्ट आते हैं, फिर आपकी सबॉर्डिनेट कोर्ट आते हैं। तो ये एक इंटीग्रेशन हो गया आपका। इंडिपेंडेंट जुडिशरी जब हम बात करते हैं तब क्या बात करते हैं कि ये इंडिपेंडेंट है आपका एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर से, मतलब सेपरेशन ऑफ पावर है, राइट? तो जो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है इंडिया में, ये जो पॉइंट है, ये जो फीचर है, ये नॉन फेडरल फीचर है। अमेरिकन जो फेडरल सिस्टम है वहाँ पर ऐसा नहीं है। नेक्स्ट, इमरजेंसी का प्रोविजंस। तो इमरजेंसी हमारे यहाँ कौन डिक्लेयर करता है? पार्लियामेंट के थ्रू करते हैं ना, यूनियन गवर्नमेंट। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लग जाता है जैसे स्टेट गवर्नमेंट्स पे। तो ये सब कौन डिसाइड करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, फीचर्स हैं, ये नॉन फेडरल इन नेचर हैं। तो हमने ये देख लिया कि ये इंडियन ये जो आपका पॉइंट था कि फेडरल इन नेचर बट यूनिटरी इन सोल, ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि दोनों फीचर्स प्रेजेंट हैं, और वो दोनों क्या हैं वो हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए। अब आप देखते हैं कि इंडिया में ऐसा ये जो ने ये क्यों एडॉप्ट किया, व्हाट आर दी प्रोविजंस जो प्रूव करते हैं कि इंडिया जो इन फेडरल इन नेचर बट इट इज यूनिटरी इन सोल। तो ये प्रोविजंस देखते हैं कि लेजिस्लेटिव मैटर, तो यहाँ पर यूनियन पार्लियामेंट इज वेरी पावरफुल। नॉट ओनली एक्सक्लूसिव कंट्रोल ओवर द यूनियन लिस्ट बट रेसिडरी पावर्स भी उनके पास हैं। सॉरी गाइस। तो आप यहाँ पर देखेंगे, जस्ट अ सेकेंड, यस। तो अगर आप इसको डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो लेजिस्लेटिव मैटर, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर, फाइनेंशियल मैटर के हिसाब से भी कर सकते हैं। जो फॉलोइंग प्रोविजंस हैं जो इंडिया को फेडरल इन नेचर और यूनिटरी इन सोल बनाते हैं, तो लेजिस्लेटिव मैटर आप देखेंगे जो यूनियन लिस्ट है उस पर पूरी एक्सक्लूसिव पावर है। प्लस जो रेजिडुशरी पावर है वो भी सेंटर के पास ही है, जबकि ऐसा नहीं होता है फेडरल मॉडल में। एडमिनिस्ट्रेटिव अब ये इसलिए है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट होता है यूनिफॉर्मिटी लॉ इन द कंट्री, यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स आप देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मेड वेरी पावरफुल दैन द स्टेट। एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर में भी स्टेट जो एक अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज करते हैं वो किसके अकॉर्डेंस में करते हैं? पार्लियामेंट में। और आपको पता है कि स्टेट इमरजेंसी का प्रोविजन पढ़ा होगा अगर आपने, तो उसमें क्या है कि अगर स्टेट जो सेंटर है उसके कमांड्स या उसके साथ कंप्लायंस नहीं करते हैं, उसके अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं सेंटर के डायरेक्शन में, तो वहां पर प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल मैटर। तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे एक फाइनेंशियल कमीशन बनाया जाता है, जो हमारे टैक्स हैं वो उसके रेवेन्यूज का डिस्ट्रीब्यूशन और ये सारी चीज़ें डिसाइड करता है। और इसके साथ में आप कंप्टोलर एंड जो आपका ऑडिटर जनरल होता है, CAG जो होता है, या फाइनेंस कमीशन है, ये यूनियन गवर्नमेंट के सेंट्रल एजेंसीज हैं,
ये क्या है, जो आपका CAG एंड फाइनेंस कमीशन है, ये सेंट्रल एजेंसीज हैं बट कंट्रोल करते हैं या डिसाइड करते हैं स्टेट फाइनेंस पर भी। तो ये सारे पॉइंट्स भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे इंडिया के पॉइंट को कि 1983 में सरकारिया कमीशन, एक सरकारिया कमीशन बनाया गया था 1983 में, और ये क्यों बनाया गया था, इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो सेंटर स्टेट रिलेशन है इसको स्टडी करना था। तो सरकारिया कमीशन ने सेंटर और स्टेट रिलेशन को स्टडी किया, अपना रिपोर्ट दिया, और अपनी रिपोर्ट में इन्होंने बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी थी। तो एक इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन ये थी कि इन्होंने एम्फेसाइज किया था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में। सो इंडिया में इन्होंने ये सजेस्ट किया कि जो इंडिया में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए, प्रैक्टिस किया जाना चाहिए। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में क्या है कि बोथ जो गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट और जो रीजनल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए एक दूसरे की अथॉरिटी एंड पावर को, और कैसे काम करना चाहिए, हार्मनी में आकर काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दूसरे के अगेंस्ट में जा रहे हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट है, नेशनल गवर्नमेंट है, वो उनको एक दूसरे की हार्मनी में आकर के साथ मिलकर काम करना चाहिए, कोऑपरेशन करना चाहिए किसी भी पट्टी। फॉर एग्जांपल, अभी रिसेंट में क्या चल रहा है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो इसमें अगर कोऑपरेशन की बात करें तो कोऑपरेट करना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को भी इन सब मुद्दों पर। तो ये सरकारिया कमीशन ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में फोकस किया। तो आपने देखे अभी, और इसके बाद अभी सबसे रीसेंट स्टेप लिया गया है जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, वो है फॉर्मेशन ऑफ नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया है नीति आयोग के द्वारा, और नीति आयोग का सबसे इम्पॉर्टेंट मेजर ऑब्जेक्टिव है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना, राइट, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को इम्प्रूव करना। तो आप नीति आयोग को भी एग्जाम्पल दे सकते हो यहाँ पर, सरकारिया कमीशन के एग्जाम्पल भी हमने दे दिया, नीति आयोग का भी दे दो आप यहाँ पर। तो इससे क्या होगा, आपका आंसर और गुड लुकिंग हो जाएगा। तो इस तरीके की छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखना है कि क्या चीजें करनी है। तो ये था आज का लेक्चर गाइस, होप सो यू लाइक इट। और आपका जो टॉपिक है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और लास्ट में इंडिया का क्या सीन है, इंडिया में कैसे जो ये हम बोलते हैं कि यूनिटरी इन सोल है एंड फेडरल इन नेचर है, ये कैसे है, इस चीज़ को हमने डिस्कस किया। तो ये सारे चीज़ें आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या डाउट है। और जो बीच बीच में मैंने आपको सजेशंस दिए हैं कि आप अपने आंसर्स को कैसे लिखेंगे, तो ये इनको प्रैक्टिस जरूर करना गाइस। अगर आपने इनमें सीरियस एक्शन लिया और सीरियसली आप इन्हें प्रैक्टिस कर रहे हो, जो छोटी छोटी चीज़ें मैंने बताई कि टेबुलर फॉर्म में लिखो, पॉइंट वाइज लिखो, अंडरलाइन करो, करेंट एग्जाम्पल्स दो, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया अभी, तो इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ओवरऑल हमारा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि हमारा आंसर गुड लुकिंग कैसे हो। जैसे हम गुड लुकिंग करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स करते हैं, अच्छी ड्रेस पहनते हैं, मेकअप करते हैं, और अच्छे से हेयर स्टाइल करते हैं, बहुत सारी एक्सेसरीज पहनते हैं। तो इन द सेम मैनर आप अपने आंसर को भी गुड लुकिंग बनाइए। आप अच्छी इंफॉर्मेशन डालें, आप अच्छा कंटेंट लिखें, आप अच्छे एग्जाम्पल्स डालो, आप उसको सही तरीके से अरेंज करो। पहले इंट्रोडक्शन लिखो, फिर बॉडी पार्ट लिखो, फिर उसके सब टॉपिक्स लिखो, फिर कंक्लूजन लिखो, और उसके अंदर आपको अच्छे एग्जाम्पल्स, अच्छा कंटेंट, अच्छा मैटर डालना है। आपको ऐसे के तरीके से आंसर को लिखना छोड़ना होगा जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं। मैंने बहुत सारी कॉपीज इवैल्यूएट करी है जिसमें मैंने ग्रेजुएशन के बच्चों को ये पाया है कि वो हमेशा आंसर के फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि उन्हें शायद क्लैरिटी नहीं होती टॉपिक की, या जो भी हो, या उन्हें पता नहीं है इनोवेटिव मेथड, किसी ने उन्हें बताया नहीं है इस चीज़ के बारे में, तो वो क्या करते हैं कि उसे बस ऐसे के तरीके लिख दिया। आपको यही चीज़ नहीं करनी है। मेरा एम सिर्फ ये नहीं है कि आपको मैं टॉपिक पढ़ा दूं और टॉपिक आपको समझ आ जाए।
बट आपको अपने एग्जाम में कैसे अच्छा परफॉर्म करना है, आपको मैक्सिमम नंबर कैसे गेन करना है, सिर्फ अच्छा लिख आप ऐसे लिख दो और अच्छे नंबर लिख अच्छा कंटेंट लिख दे, तब भी आपको उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। एक स्टूडेंट थोड़ा कम अच्छा कंटेंट लिखता है, बट उसको बहुत तरीके से लिखता है, अरेंज करके लिखता है, उसे आपसे बेहतर मार्क्स मिलेंगे, ट्रस्ट मी गाइज, और ऐसा होता है। तो आपको कुल मिलाकर कन्वीनियंट बनाना है इवेल्युएटर्स के लिए कि हाँ आप देखो मैंने ये लिख दिया, ये अंडरलाइन कर दिया, ये पॉइंट लिखा, ये फ्लो चार्ट बनाया। तो एग्जामिनर के लिए आसान बनाना है आपको अपने आंसर को कि प्रॉपर क्लैरिटी हो, उसे ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, फाइंड आउट ना करना पड़े, आपके जो पॉइंट है उनको ढूंढने में खोजने में ही लग जाएगा कि आपके ऐसे पैराग्राफ में ये पॉइंट कहाँ लिखा है। अगर आपने उसको पॉइंट वाइज लिखा है तो उसे तुरंत तुरंत मिल जाएगा, कन्वीनियंट होगा, तो आपको अच्छा मार्क्स देगा ना, सिंपल सी बात है ये, और ये लॉजिक काम करता है। तो आप इसे एक बार करके देखो, प्रैक्टिस करो, इन सारे छोटे छोटे जो जो मैंने स्टेप्स छोटे छोटे सी चीज़ें बताई हैं आपको अपने आंसर में करना सेमेस्टर में, और अगर आपके एग्जाम में मार्क्स इम्प्रूव होते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ज़रूर शेयर करना कि हाँ आपके साथ ये पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ इस तरीके की चीज़ें अडॉप्ट करने से। तो हमें थोड़ा सा इनोवेटिव बनना होगा, हमें थोड़ा सा स्मार्ट बनना होगा। जनरली हम कहते हैं हम तो बीए के स्टूडेंट हैं और बीए जैसा रह जाते हैं, अरे हम बीए के स्टूडेंट हैं बट वी आर स्मार्ट स्टूडेंट, हम भी स्मार्ट हैं और हम भी इनोवेटिव थिंग्स को सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं गाइस, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें। सो आज के लिए बहुत हो गया गाइस, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई बट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, आप इसे इसको ज़रूर देखना, बार बार देखना, जिससे कि टॉपिक पे क्लैरिटी आए और ये छोटी छोटी चीज़ें सीख पाएँ आप। सो विश यू अ गुड लक गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि अगर आपने मेरे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड हेल्प मी टू ग्रो फर्दर एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, थैंक्स अ लॉट।